अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ और ये चक्रवात की सिटी लगती भी नहीं है। आज मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, क्योंकि मेरे मामा की कज़न की शादी है, इसलिए वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो आप, मैंने अभी इस्लामाबाद को इस्लामियात से कहने लगा था। ये अभी ड्यूटी रोड है। आप जब इस्लामाबाद जाएंगे ना, ये ड्यूटी रोड है। और ये मेरे साथ नाना भी हैं, मेरे खाला और उनकी सारी फैमिली पहले चली गई थी, अब मैं, मामा, नाना और अब जा रहे हैं। तो ड्यूटी रोड में एक अलग सी फीलिंग आती है, वॉमिट ऐसी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत रश है। रश यहाँ नहीं, अब मैं आपको दिखा देता हूँ रश ये है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं रवाद। रवाद इतना ज़्यादा रशिंग एरिया है, यहाँ गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा लोग रखती हैं, लेकिन हमें यहाँ से आसर हो जाता है कि अब हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये रवाद एक छोटा सा शहर है, उसके बाद आगे से आ जाते हैं इस्लामाबाद। यहाँ ट्रक से गुजरते हैं, फिर तबीयत सी मेरी ख़राब, वैसे भी थोड़ा उसमें मेरी ज़ुकाम सा। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपनी हालत घर। तो जैसे जैसे करके मेरी रास्ते में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, क्योंकि मेरे लंबे सफर में थोड़ी सी तबीयत मेरी वैसे भी ख़राब होती है। तो ये है मेरी खाला का टी लाउंज। तो फ्रेंड्स, अब हम सारे दूसरे को मिलिए बहुत खुश हुए हैं, और मामा लोग अब तैयारी कर रही हैं मेहंदी बजाने के लिए, और मैं अभी यहाँ पानी पीने आया था, पानी तो पी लिया, और अब मैं आपसे मिलूँगा शादी हॉल में।
तो फ्रेंड्स अब हमारी होली है वापसी और देख सकते हैं लाइटिंग लगी हुई है, लाइटिंग भी लगी हुई है और गाड़ियाँ भी जा रही हैं और अभी हम भी गाड़ी में और जा रहे हैं अपनी हाला के घर। वहाँ स्टे करेंगे फिर हम जाएंगे सोएर क्योंकि पेपर भी है वो भी इंग्लिश का, मैंने तैयार भी करना है, आधा तैयार किया था और आधा तैयार करना है। यहाँ बहुत वैसे रश भी है और यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी जा रही हैं और हम भी गाड़ी में ही हैं। यहाँ देख सकते हैं माल खुले हुए हैं और लाइटिंग लगी हुई हैं और गाड़ियाँ मालों के सामने इधर में सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स आपको तो पता है अब शादियों के सीज़न आ गए हैं और फिर माल और माल मैं कह रहा हूँ ये हालों में हाल्स में शादियाँ हो रही हैं और हमने भी खूब मज़ा किया। आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सुबह। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट सुबह के लिए प्यारा सा अच्छा सा दिन है और अब मेरी नानी मामा मेरी खाला और मेरी मामा तैयारी कर रही हैं जाने की घर अपने घर क्योंकि मेरा कल पेपर है, मैंने आपको भी पहले बताया था। और सीप साहब जी पढ़े हैं, हमारी मेरी छोटी कज़न है लेकिन नसीब से बड़ी है और जो मेरी छोटी कज़न है वो थोड़ी सी उदास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।